क्या हुआ जब गोल्डन गर्ल से मिले सपा चीफ? अखिलेश ने गोल्डन गर्ल को क्यों दिया लाखों का इनाम? आदित्य यादव की उपाधि से खुश हुए अखिलेश। पीएम मोदी और सीएम योगी ने भी की तारीफ। ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक में बैडमिंटन की स्पर्धा में गोल्ड जीतकर देश को गौरवान्वित करने वाली गोरखपुर की गोल्डन गर्ल आदित्य यादव से अखिलेश यादव ने मुलाकात की। उन्होंने आदित्य को प्रोत्साहन राशि के रूप में 5 लाख रुपए का चेक दिया। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि चेक देते हुए उन्हें हर्ष हो रहा है। उन्होंने सरकार से 1 करोड़ रुपए देकर सम्मानित करने की मांग की है। इससे पहले आदित्य यादव से गोरखपुर सर्किट हाउस में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मुलाकात की थी। सीएम ने रैकेट और अंग वस्त्र देकर उसे सम्मानित किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदित्य ने पूरे देश का नाम रोशन किया है, वे अपने खेल पर ऐसे ही ध्यान देती रहें, सरकार उनके साथ है। सीएम ने आदित्य के सारे प्रपत्र मंगाए हैं जिसे तैयार कर लिया गया है, जल्द ही स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री तक भेजा जाएगा। आपको बता दें कि गोरखपुर की गोल्डन गर्ल आदित्य यादव अब सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। डेफ ओलंपिक में गोल्डन मेडल जीतने वाली आदित्य यादव को पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों सम्मान मिल चुका है। पीएम ने उसे नई दिल्ली स्थित पीएम आवास में बुलाकर सम्मानित किया था। तब पीएम मोदी से मिलकर आदित्य ने उन्हें गोरखनाथ मंदिर का मोमेंटो गिफ्ट किया था। इतना ही नहीं, आदित्य ने पीएम मोदी से गोरखपुर में डेफ स्कूल खोल ले जाने का अनुरोध किया था, जिस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सोच अच्छी है तो ख्वाहिश भी जरूर पूरी होगी, जिसकी फोटो खुद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर शेयर की थी। आदित्य ने छोटी उम्र में ही सेकंड वर्ल्ड डेफ बूथ बैडमिंटन चैंपियनशिप, सिक्स नेशन डेफ जूनियर सब जूनियर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप, यूनेस्को सनराइज हैमेस इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी स्टेट, मेट लाइफ जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड के लिए नामित हो चुकी हैं। गोरखपुर के रहने वाले दिग्विजय यादव के घर जब आदित्य का जन्म हुआ तो सब खुश थे, मगर उन्हें यह पता चलने में 3 साल लग गए कि वह सुन और बोल नहीं सकती है। दिग्विजय परेशान हो गए कि अब अपनी इस बेटी के लिए क्या करें। एक दिन आदित्य ने रैकेट पकड़ा तो उसे देखकर दिग्विजय को लगा कि वो बैडमिंटन अच्छा खेल सकती है। 5 साल की उम्र में उसकी कोचिंग शुरू हो गई। 1 साल बाद ही आदित्य अपने से अधिक उम्र के खिलाड़ियों को मात देने लगी। जिस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती वहां से जीतकर ही लौटती, इसलिए छोटी सी उम्र में आदित्य का नाम गोल्डन गर्ल पड़ गया। आदित्य यादव जब 10 साल की थी तो उन्होंने चाइना में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपने टैलेंट का लोहा मनवाया था। वह जब दिल्ली में एक टूर्नामेंट में खेल रही थी तब बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिद्धू भी उनका गेम देखकर दंग रह गई थी। आदित्य के पिता दिग्विजय यादव भी एक अच्छे बैडमिंटन खिलाड़ी और कोच हैं, लिहाजा पीवी सिद्धू ने उनसे बात करके कहा कि आदित्य का गेम अच्छा है, इसे आगे ले जाइए, कोई दिक्कत हो तो हमें बताइएगा। पीवी सिद्धू ने आदित्य को कई अच्छे टिप्स भी दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।